धौलपुर जिले में दिन दहाड़े बैंक डकैती की घटना से फैल गई है सनसनी। छह हथियार बंद लुटेरे फिल्मी स्टाइल में बैंक पहुंचे और उन्होंने गन पॉइंट पर चौकीदार, मैनेजर सहित अन्य को बनाया बंधक। यही नहीं, उन्होंने उनके साथ की मारपीट। उन्होंने बैंक में फायरिंग भी की और 4 से 5 लाख की लूट कर ली और हो गए फरार। दरअसल दिहोली थाना क्षेत्र के मरेना कस्बे में पंजाब नेशनल बैंक को बदमाशों ने लूट लिया। इस दिन दहाड़े बैंक डकैती की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने नाकाबंदी करवाई। इस दौरान पुलिस और बदमाशों का आमना सामना भी हुआ। पुलिस ने हवाई फायरिंग कर बदमाशों को सरेंडर होने की चेतावनी दी, लेकिन चेतावनी को नजरअंदाज कर बदमाशों ने ही पुलिस पर फायरिंग कर दी। आज लगभग 3 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि दिहोली थाना क्षेत्र में मरेना में पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच है, जहां डकैती की सूचना मिली थी, जहां कुछ अपराधियों द्वारा डकैती करने की बात आई थी। सूचना पे तुरंत जो मनिया सर्कल के टीम है वो अपराधियों के तलाश में रवाना हो गई थी, जिसमें CO मनिया दीपक खंडेलवाल और SHO दिहोली विधाराम, SHO मनिया लाखन और यहाँ से जिले से QRT की टीम भी रवाना हुई थी और इन लोगों ने लगातार तलाशी की। पूरे ज़िले में नाकाबंदी करवाई गई थी। UP पुलिस से भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला, उन्होंने भी अपने बॉर्डर पे नाकाबंदी की थी। उनके नाकाबंदी को देखकर और हर तरफ नाकाबंदी को देखकर ये जो अपराधी हैं ये वापस राजस्थान की तरफ आ रहे थे, तो हमारी पुलिस से इनका टकराव हुआ और इन्होंने पुलिस पे फायरिंग की। पुलिस ने भी इन्हें सरेंडर करने के लिए चेतावनी दी, हवाई फायरिंग की। उसके बाद राधे का पूरा एक गांव है जो मनिया थाना क्षेत्र में है, वहाँ पे पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जब फायरिंग की गई तो इन 3 अपराधियों के पैर में गोली लग गई है, जिन्हें और रास्ते में जब ये बैंक से डकैती करके भाग रहे थे तो इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के रास्ते में मोटरसाइकिल भी लूटी थी। ये भी एक घटनाक्रम इन्होंने किया है। तो देखो पूरे सीक्वेंस में इन्होंने आज 3 जगह अलग अलग अपराध किया है, बैंक डकैती, मोटरसाइकिल लूटना और फिर पुलिस पे जानलेवा हमला। सर लूट कितने लूट प्रारंभिक जो जानकारी बैंक से हमें मिली थी कुछ उस समय 4-5 लाख बता रहे थे, बट वो भी उस समय अभी काउंटिंग अपना कर ही रहे हैं कि कितना एग्जैक्टली गया है। वो जब हमें डिटेल जब बताएंगे तो आप लोग को प्रेस नोट के माध्यम से बता देंगे एग्जैक्टली कितना अमाउंट गया है और हमने कितना रिकवर किया। पुलिस ने बचाव में गोली चलाकर 3 बदमाशों को घायल कर दिया। पैर में गोली लगने के बाद घायल हुए 3 बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वे 3 बदमाश मुठभेड़ में फरार हो गए। घटना CCTV में कैद हो चुकी है। फरार बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है, साथ ही हथियार, लूटी गई राशि भी बरामद की गई। बता दे कि फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित कर रवाना कर दी गई है। बैंक प्रबंधन लूट की राशि को गिनने में लगा हुआ है।